नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार के बाएं हाथ कहे जाने वाले अनंत सिंह जहां नीतीश कुमार के अब सबसे बड़े विरोधी हैं, तो वहीं नीतीश कुमार के सबसे खास ललन सिंह इस बार अनंत सिंह की पत्नी के लिए वोट मांगने के लिए मोकामा पहुंचने वाले हैं। बतला दें कि नीतीश कुमार के सबसे खास ललन सिंह और बाहुबली अनंत सिंह में टक्कर हमेशा से रही है। एक और जहां अनंत सिंह ने ललन सिंह को लेकर यह तक कह दिया था कि ललन सिंह उनका होम्योपैथिक इलाज कर रही हैं, तो वहीं इस बार पासा बदलता नजर आ रहा है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी पूरा मामला पलट सकता है। बतला दें कि ललन सिंह अनंत सिंह की पत्नी के लिए वोट मांगेंगे और वो मोकामा में जनता से संपर्क करेंगे। बतला दें कि नीलम देवी मोकामा विधानसभा सीट पर आरजेडी से महागठबंधन की उम्मीदवार हैं। वहां बीजेपी की सोनम देवी उन्हें टक्कर दे रही हैं। सोनम देवी के पति ललन सिंह इलाके के प्रभावी नेता हैं और कुछ दिनों पहले ही जेडीयू छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। उपचुनाव में राजद और भाजपा मोकामा में पूरी ताकत दिखा रही है। दोनों प्रमुख प्रतिद्वंद्वी नीलम देवी और सोनम देवी की ओर से समर्थक नेता बड़ी संख्या में मोकामा पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में अब जेडीयू के राष्ट्र अध्यक्ष ललन सिंह भी मोकामा आ रहे हैं। जेडीयू के बाढ़ जिला अध्यक्ष परशुराम पारस ने बताया कि ललन सिंह अपने दो दिवसीय मोकामा दौरे में महागठबंधन प्रत्याशी नीलम देवी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। नीलम देवी की चुनावी नैया पार लगाने के लिए जेडीयू के राष्ट्र अध्यक्ष ललन सिंह मोकामा में चुनाव प्रचार करेंगे। ललन सिंह 26 और 27 अक्टूबर को मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जनता से वोट मांगेंगे। ललन सिंह 26 अक्टूबर को मोकामा के रैली से जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे और फिर उनकी यह रैली टाल तक जाएगी। टाल के इलाकों में वह चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। अनंत सिंह जो सबसे बड़े विरोधी हैं नीतीश कुमार के, अब उन्हीं के साथ में ललन सिंह आ चुके हैं, उनके समर्थक में आ चुके हैं। ललन सिंह अब उन्हीं की पत्नी के लिए वोट मांगने के लिए मोकामा पहुंचने वाले हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए देसवा न्यूज़। सिर्फ खबर दिखाना देसवा न्यूज़ का मकसद नहीं, देसवा न्यूज़ की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।